मैं हनीशा, आपके श्री श्याम स्कूल की पहली कक्षा की अध्यापिका, आज आपको आरंभ हिंदी पाठमाला का पहला अध्याय, जिसका नाम जैसे को तैसा, आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे आशा है मेरे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने घरों में बैठे हुए इस अध्याय को पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है जैसे को तैसा। यह कहानी एक बुगले और चालाक लोमड़ी से संबंधित है। देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये बगुला है और ये एक चालाक लोमड़ी है। लोमड़ी अपने जन्मदिन पर बुगले को खाने पर बुलाती है और खीर बनाकर एक थाल में परोसती है। लोमड़ी ने बगुले को अपने जन्मदिन पर बुलाया और थाल में खाना खीर परोसी। देखिए, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, बगुला अपनी लंबी चोंच से खीर नहीं खा पाता। बगुले की लंबी चोंच होने के कारण वो खीर नहीं खा पाता। कुछ दिनों बाद बगुले भी लोमड़ी को अपने जन्मदिन पर खाने के लिए बुलाता है। वह एक लंबी सुराही में सूप डालकर लोमड़ी से खाने को कहता है। फिर कुछ दिनों बाद बगुले ने भी लोमड़ी को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया और एक लंबी सुराही में उसको सूप परोसा। बगुले की तो चोंच लंबी थी, इसी कारण उसने सूप सारा पी लिया। बगुला अपनी लंबी चोंच सुराही में डालकर सूप का मजा लेता है और लोमड़ी उसका मुंह देखती रह जाती है। इस तरह वह लोमड़ी से अपने अपमान का बदला लेता है। देखिए, बगुले की चोंच लंबी होने के कारण वो सारा सूप पी जाता है, लेकिन लोमड़ी नहीं पी पाती। लोमड़ी उसकी तरफ देखती रहती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे को तैसा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी वो बुरा करेगा, और अच्छा करेंगे तो अच्छा करेगा। इसीलिए बोलते हैं जैसे को तैसा, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।